Now students, we have discussed the in-text question number 1, and the question is write the structures of the following compounds. आपको यहाँ पे 5 कंपाउंड दिए हैं, उसके हमको क्या बनाने के है स्ट्रक्चर। तो दोस्तों पहला कंपाउंड है 2-chloro-3-methyl-pentane। दोस्तों वर्ड जो है वो समझने का है। पेंटेन मतलब कितने कार्बन लेने का, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन लाइन में लगा दो, लिख दिया हमने 5 कार्बन। अब कौन से नंबर पे क्लोरो बोला है, तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो सेकंड पे Cl, थर्ड के ऊपर मिथाइल। बस अब हाइड्रोजन एडजस्ट कर दो, यहां आएगा CH3, CH2, CH, CH, CH3। तो ये हो गया आपका 2-chloro-3-methyl-pentane। अगर कोई बंदा ये Cl को अगर यहां लिखा है और हाइड्रोजन को यहां लिखे तो भी नो प्रॉब्लम, तो भी आंसर शुड बी सेम, क्योंकि अब नंबर आपने लेफ्ट साइड से दिया है। Okay, now the next question is 1-chloro-4-ethyl-cyclohexane। दोस्तों cyclohexane मतलब 6 कार्बन का साइकिल ड्रॉ करने का बोला गया। 1 क्लोरो तो यहां नंबर 1 2 3 4 5 6। 1 क्लोरो मतलब यहां पे फर्स्ट कार्बन बोला, 4 इथाइल 1 2 3 4, ये 4 इथाइल का मतलब मैं यहां C2H5 भी लिख सकता हूं either instead of C2H5। अगर कोई बंदा लिखेगा CH2 CH3 तो भी आंसर सही होगा। और बोला है साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन का साइकिल। अब ये नंबर दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका 1-chloro-4-ethyl-cyclohexane। अगर साइक्लोपेंटेन पूछा होता तो मैं 5 कार्बन ऐसे ड्रॉ करता, साइक्लोब्यूटेन बोला होता तो ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करता, साइक्लोप्रोपेन बोला होता तो ऐसे नील का ड्रॉ करता। ओके, नाउ फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, 4-ternary ब्यूटाइल। ये इंपॉर्टेंट है, टर्सरी ब्यूटाइल 3-iodoheptane। तो दोस्तों हेप्टेन मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। हेप्टेन बोले तो 7, ऑक्टेन बोले तो 8 कार्बन, नॉनेन बोले तो 9 कार्बन, हेक्सेन बोले तो 6 कार्बन, पेंटेन बोले तो 5 कार्बन, ब्यूटेन बोले तो 4 और प्रोपेन बोले तो क्या लेंगे हम दोस्तों 3 कार्बन। अब बोला है 4 पे क्या टर्सरी ब्यूटाइल। तो दोस्तों टर्सरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये है आपके सामने। दोस्तों दिस इज योर टर्सरी ब्यूटाइल 3-iodo मतलब तीसरे नंबर के ऊपर आप डाल दो आयोडीन। अब हाइड्रोजन एडजस्ट करो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा CH3 और यहाँ भी होगा क्या दोस्तों CH3। तो ये हो गया आपका 4-ternary-butyl-3-iodo क्या दोस्तों हेप्टेन। अगर ये आयोडीन को अगर कोई यहाँ लिखे और H2 को यहाँ लिखेगा तो भी सही होगा, क्योंकि अब नंबरिंग आपने लेफ्ट साइड से दिया है। ओके दोस्तों, इसके अंदर और सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा गया है टर्सरी ब्यूटाइल, तो हमने उसके हिसाब से बनाया। सपोज आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला होता तो इस CH3 को आपको यहाँ लिखना पड़ता, तो ये हो जाता आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आइसोब्यूटाइल बोला होता तो एक ब्रांच आपको यहाँ दिखाना पड़ता, और अगर नॉर्मल ब्यूटाइल बोला होता तो ये चारों को लाइन में लगाना पड़ता। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं उसके रेफरेंस में आंसर देने का। तो मैंने जो बाकी के स्ट्रक्चर बनाए वो भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन फिलहाल आपके सामने ऑर्डर है टर्सरी का, तो मैं ड्रॉ करूंगा ये स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज 1,4-dibromobutyl-2-ene। दोस्तों ब्यूट मतलब वी हैव टू मूव विद 4 कार्बन, 2-ene मतलब सेकंड नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो। अगर इन की जगह पे YNE बोला होता तो मैं ट्रिपल बॉन्ड डालता। दोस्तों YNE का मतलब आयन नॉट वाइन। ओके, तो अब क्या होगा 1,4-dibromo, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन। अब हाइड्रोजन को एडजस्ट करो तो CH2 CH CH CH2, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर 1,4-dibromobutyl 2E। फिफ्थ वन जो है वो क्या होगा, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो दोस्तों मैं बेंजीन ड्रॉ करूंगा। बेंजीन साइक्लोहेक्सेन जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, तो मुझको अंदर सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो सर्कल ड्रॉ करते हैं वो इट इंडिकेट द 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ओके, बेंजीन के कोई भी कार्बन को आप फर्स्ट कार्बन ले सकते हो। हम हमारी इजीनेस के लिए इसको फर्स्ट कार्बन समझते हैं। तो बोला फर्स्ट नंबर के ऊपर ब्रोमीन, सेकंड नंबर के ऊपर बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये होगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 नंबर के ऊपर बोला मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3। अब हाइड्रोजन का एडजस्ट करो, CH3 CH CH2 CH3। तो ये हो गया आपका ये स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल बोला होता है यहाँ, तो आप दोस्तों ये पार्ट पे यहाँ लगाते तो यहाँ हो जाता नीचे CH3 और ये हो जाता CH3। तो आपको जो रेफरेंस पूछा है दोस्तों, उसके हिसाब से ही आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, तो आराम से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।